नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं टॉप ब्लॉग मेनिया। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं चार चीजों के बारे में बात करूंगा। वो चार चीजें हैं कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड स्टफिंग के बारे में। ये चार चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप कोई कॉन्टेंट लिखोगे, कोई ब्लॉग अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस के लिए लिखोगे, तो ये चार चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये चार चीजें मैं वन बाय वन आपके लिए बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है। इस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने डिटेल्स में आपको कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में लिखा है। उसके नीचे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसके थ्रू मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड कहाँ और कैसे आप आर्टिकल्स में यूज कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी इज द परसेंटेज ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड और अ फ्रेज अपीयर्स ऑन अ वेब पेज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द पेज। मीन्स कीवर्ड डेंसिटी, एक कीवर्ड कितनी बार किसी वेब पेज पे आता है, कितनी बार किसी वेबसाइट या ब्लॉग पे आप यूज करते हो, उसको हम कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। कीवर्ड स्टफिंग किसे कहा जाता है दोस्तों? कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? कीवर्ड स्टफिंग इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कंसीडर्ड एज वेब स्पैम और स्पैम इंडेक्सिंग इन विच कीवर्ड्स आर लोडेड इन टू अ वेब पेजेस मेटा टैग्स, विजुअल कॉन्टेंट और बैक लिंक्स, एंकर टैक्स इन एनी अटेम्प्ट टू गेन और अनफेयर रैंकिंग एडवांटेज इन सर्च इंजन। सो कभी भी हम कीवर्ड जो बार बार कहीं किसी ब्लॉग पे यूज करते हैं अपने ब्लॉग को एडवांटेज लेने के लिए, तो उसे हम कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं दोस्तों। मतलब सर्च इंजन में रैंकिंग में लाने के लिए बार बार एक ही कीवर्ड को बहुत बार एक ब्लॉग में यूज करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। कीवर्ड स्टफिंग ब्लैक हैट टेक्निक में कैलकुलेट होता है दोस्तों। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स और फ्रेज और हाउ क्लोज कीवर्ड्स आर टू ईच अदर विद इन अ बॉडी टेक्स्ट। द क्लोजर देन टू कीवर्ड्स आर टू ईच अदर एंड द हायर वेट ऑफ दैट फ्रेज। मीन्स जब दो वर्ड के बीच में जो कीवर्ड्स हम दो कीवर्ड्स के बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं, तो कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, कितने सारे कीवर्ड्स हमारे एक कितने वर्ड्स के बीच में आ रहे हैं, वो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कैलकुलेट होता है। ठीक है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन सेम है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन रेफर टू द एक्ट ऑफ रिसर्चिंग, एनालाइजिंग और सेलेक्टिंग द बेस्ट कीवर्ड फॉर योर ब्लॉग टू गेन सर्च इंजन रैंकिंग और टू गेट हाई क्वालिटी सर्च इंजन रैंकिंग। तो ये सारे बात हो गए हैं कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, प्रॉक्सिमिटी, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अब मैं बात करूँगा, आपको एक ब्लॉग मैंने यहाँ पे लिखा है, उस ब्लॉग में आप देख सकते हो कि कीवर्ड जो जो मैंने अभी आपको बताए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहला कीवर्ड डेंसिटी, आप यहाँ पे देखो कि SEO, व्हाट इज़ SEO के बारे में मैंने लिखा। अब SEO जो मेरा कीवर्ड है, ये SEO है, तो SEO कितनी बार आ रहा है ये हम लोगों को देखना है। एक यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आई थिंक नॉट मोर देन 5 or 6 टाइम्स है। अब ये देखो दोस्तों 4 टाइम्स है। मीन्स ये हमारा 600-500 वर्ड्स में जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में मात्र मैंने 3 से 4 बार कीवर्ड को यूज किया है। मीन्स 1% कीवर्ड भी यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने बोला कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं हुआ है यहाँ पे। कीवर्ड स्टफिंग करने का मतलब मैं एक आर्टिकल में बार बार कीवर्ड को यूज करूँगा। SEO टर्म जो है मोर देन 10 टाइम्स, मोर देन 15 टाइम्स मैं यूज करूँगा, तो कीवर्ड स्टफिंग कहा जाएगा उसको। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब सेम है कि कितनी बार मैं कीवर्ड को यूज करता हूँ एक ब्लॉग में, तो उसको हम कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। जनरली आपको मैं बता दूं कि एक ब्लॉग में आपको 0.5 to 1% तक ही कीवर्ड यूज करने हैं। मतलब
आपका ब्लॉग अगर 500 वर्ड्स का है तो आप नॉट मोर देन 5 टाइम्स आपको कीवर्ड यूज करने हैं, मतलब 500 वर्ड्स में आपको 5 बार से ज़्यादा कीवर्ड यूज नहीं करना दोस्तों, ठीक है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, उसे ही हम प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी आपको मैं बता दूँ, देखो एक SEO, ये एक टर्म हुआ SEO, या यहाँ पे एक टर्म हुआ SEO, ठीक है। ये एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच में ये एक टर्म, जैसे आज यहाँ पे मैंने एक SEO टर्म डाला है, इस टर्म और इस टर्म के बीच में ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना क्लोज वर्ड्स आएगा दो कीवर्ड्स के बीच में, उसको कीवर्ड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी हम लोग हाई कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। और हाई कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, हायर वेट कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये चारों ही क्लियरली डिफाइन हो गया इस सिंपल सा एक ब्लॉग में, व्हाट इज़ SEO ब्लॉग जो है। कीवर्ड डेंसिटी भी आप समझ गए, कीवर्ड स्टफिंग भी समझ गए, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी भी समझ गए, और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी समझ गए दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना दे रखा है, आप वहाँ पे मैसेज करके आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो कि क्या आपको प्रॉब्लम है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।